हैं चैलेंज न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ सुजीता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मानव जीवन में संगति का बड़ा महत्व होता है। देवी प्रतिभा। रानीपुर यज्ञ में चल रही कथा में वक्ता देवी प्रतिभा ने बताया कि मानव जीवन में संगति का बड़ा महत्व होता है। मनुष्य जिस तरह की संगति करेगा ठीक वैसा ही बन जाएगा। उन्होंने बताया कि गोकर्ण और धुंधकारी दोनों एक ही माता पिता की संतानें थीं, मगर जहां गोकर्ण संतों की संगति पर कर विद्वान बन गया, वहीं धुंधकारी गलत संगति में पड़कर अत्याचारी बन गया। इसलिए मनुष्य को सदैव साधु संतों एवं सत्पुरुषों की संगति करना चाहिए। थोड़े से समय के लिए की गई संतों की संगति से मनुष्य के कोटों अपराध नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य सदमार्ग पर चलकर मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। यहाँ गुलाब चंद तिवारी, रामकुमार पनौरिया, डॉक्टर बीपी सिंह परिहार, फूल सिंह यादव, पप्पू तोमर, भागचंद आर्य, जगदीश सेन, नरेश मामा, महेश गुप्ता, पंडित अतुल श्रुति, धर्मेंद्र सहित हजारों श्रोता उपस्थित रहे। रानीपुर से नरेश अग्रवाल की रिपोर्ट। आते हुए बोल दीजिए ना तो प्यार। धुंधली कहती है बालक होगा तो और भी बहुत से दुख हैं। कौन से दुख? लालने पालने दुखम प्रसुतायाश्च वर्तते बंध्या वा विधवा नारी होगा, छोटा सा रहेगा, वो भूख लगी भी नहीं बोलता, प्यास लगी भी नहीं बोलता, छोटा बालक क्या बोलेगा। और उसको समझ करके कपड़ा बदल देना, समझ करके स्नान कराना, समझ के भोजन कराना बड़ी दुख है। सभी माताएं ऐसे नहीं होती। माताएं तो अपने बच्चों को बहुत प्रेम करती, लेकिन धुंधली कहती लालने पालने दुखम, उसको पालना उसका देखभाल करना बड़ी दुख की बात है। और इससे अच्छा तो बंध्या वा विधवा नारी, विधवा या फिर बंध्या नारी मुझसे सुखी होगी। ऐसी ऐसी नारी भी धुंधली जैसी, देखो धुंधली जैसी तो किसी को होना नहीं। प्यार से बोलो। अब आप ये मत समझिएगा कि धुंधली की कथा चल रही है।